हेलो एवरीवन, आज हम ये ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस बनाएंगे। यह ड्रेस 3 से 4 साल की बेबी को आसानी से आ जाएगी। इसे बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ों की आवश्यकता रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यदि आप इससे अलग नाप बनाना किसी और उम्र की बेबी का की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका मेजरमेंट आपको बता दूंगी। आइए अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका घेरा काटेंगे। घेरा काटने के लिए हमने 3 भाग में इसे हम लेंगे, तो इसे 3 फोल्ड किया है हमने। मैंने कपड़े को 3 फोल्ड किया है। 3 फोल्ड में हम इसके भी 26 इंच की लेंगे और हम यह अप और डाउन है इसलिए लेंथ हमारी अलग अलग ले रहेगी। 3 फोल्ड करने के बाद इसे मैं 2 फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह इसमें यह फैला लूँगी और जहाँ 3 फोल्ड हुआ था हमारा वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। यह हमारा एक हिस्सा है और उधर का दूसरा हिस्सा। जहाँ बंद की साइड है वहाँ पे मैं 18 इंच पर निशान लगूँगी। ये 2 फोल्ड करने के बाद मैं कर रही हूँ। और जहाँ पे हमारा खुला पार्ट है दूसरी साइड, यहाँ मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं सीधा वहाँ पर मिला लूँगी सेकेंड पार्ट की तरफ जहाँ हमने 18 इंच पर निशान लगाया। ऐसे थोड़ी तिरछे में लाइन आएगी और हम इसे यहाँ तक इसे मिला लेंगे। ये इस तरह से हम थोड़ा तिरछा करके यहाँ से इसे मिला लेंगे और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। ये मैं पेपर पर ड्रा करके बताती हूँ। जैसे हम इधर से ये 12 इंच का लेंगे और उधर से हमने 18 इंच का ले रखा है। अब इसे हम इस तरह से राउंड थोड़ा सा घुमाते हुए शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम अब इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह यह हमने कपड़े पे भी इसका शेप दे दिया है और हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा राउंड शेप हम यहाँ से भी दे देंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो में यदि आप अपना फीडबैक देना ना भूलें जिससे हमारा उत्साह बना रहे। यह हमने घेर के पार्ट की कटिंग कर ली है। यह 3 पार्ट में हो जाएगा। यह आगे का पीछे का रहेगा और यह अंदर का हिस्सा रहेगा और जो तीसरा एक और ऊपर की साइड एक और आएगा यह वाला रहेगा। जो ऊपर का पार्ट रहेगा उस पर हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से इसकी हम कटिंग करेंगे। इसे हम 3 से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे जितना आपको राउंड शेप देना है। यहाँ मैं 3 इंच का दे रही हूँ। इसे इस तरह राउंड शेप देते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर तक हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसे गोल कर लिया है। यह पार्ट हमारा ऊपर की साइड रहेगा। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें सिंगल पीस लेंगे। इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके शोल्डर हम 4 इंच के लेंगे और आर्म होल हम 4.5 के लेंगे। यहाँ से 4.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 2 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। 7 इंच पे हम इसकी चेस्ट लेंगे और इसका नीचे का बॉटम पार्ट हम 6.5 पे लेंगे।
आधा आधा इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। इस टॉपर की लेंथ हमारी रहेगी 9 इंच की। एक इंच पे हम नीचे बैक पार्ट का है तो गला छोटा लेंगे, तो एक इंच का ही हम डिप में लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके पीछे हम 3 इंच का मार्क करेंगे जो कि हमारी हुकाई के लिए होगा। अब बैक पार्ट को अभी हम कट नहीं देंगे यहाँ पर। अब हम आगे के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे और हम सिंगल ही एक राइट साइड का फ्रंट पार्ट पे कटिंग करेंगे। इसको हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, जो पीछे बैक पार्ट का था वहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेकर यहाँ से हम स्केल से इसे खींच लेंगे। जितने इसके शोल्डर थे 4 इंच के, हम यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगा लेंगे और आर्म होल भी हम उतने ही लेंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। गले पे हम आगे वी शेप है तो यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और जो ऊपर की साइड है यहाँ से हम इसे तिरछी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इस तरह अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की लेफ्ट साइड की कटिंग हमने करी है। अब हम राइट साइड की कटिंग करने के लिए हमें इससे डबल कपड़ा लेना है। ये हम बताती हूँ, जैसे हमने उधर लेफ्ट साइड की कटिंग करी थी उसे हम इसी तरह रख देंगे। यह इस प्रकार से होगा, इसी को हम इसके ऊपर रख देंगे और आर्म होल पर हम कटिंग कर लेंगे। उधर की साइड हम इक्वली रहेंगे और यहाँ से जो हमारा नेक है ये पूरा इतना ही लेंगे, इससे डबल लेंगे जितना हमारा आगे का पार्ट था। यहाँ से इस तरह हम गले का निशान लगा लेंगे, पूरे एंड तक इसका हम गले का निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन हम इसकी खींच कर इस तरह से हम कर लेंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और नीचे से ही इसे इक्वली करके एक्स्ट्रा का कपड़ा हम हटा देंगे। यह हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के कटिंग हो चुकी है। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इस पर सिलाई शुरू करेंगे। हम इसे इक्वली ले लेंगे, ये 4 इंच का गला और वी शेप में हो जाएगा। आगे की साइड हम यह इसके बराबर का रहेगा, इसी के बराबरी का हमको लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के बराबर का लेना है। यहाँ पर हम पाइपिंग लगा लेंगे और एक पाइपिंग हम इसकी कट करेंगे, तिरछे कपड़े से हम लेंगे और इसकी पाइपिंग लगाएंगे। हम कपड़े को सीधा रखेंगे और ऊपर से इस पट्टी को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम 2 पॉइंट की पूरी सिलाई लगा लेंगे। इधर भी हम ऐसा करेंगे, 2 पॉइंट की सिलाई इस पर रख कर लगा लेंगे, पट्टी को रखेंगे और लगा लेंगे। ये हमने 2 पॉइंट की सिलाई लगा ली है। इसे इस तरह से मोड़ दूंगी मैं, यहाँ से हम इस तरह मोड़ेंगे इसे और इसे पीछे की साइड पलट लेंगे, एक फोल्ड करेंगे और इस तरह मोड़कर हम ऊपर से बिल्कुल किनारी पर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें बिल्कुल किनोर पर सिलाई लगानी है जहाँ जॉइंट रहता है, यह हमारी पतली इसमें पाइपिंग निकल जाएगी। इस तरह से हम बारीक इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्टों में हम ऐसा कर लेंगे। यह हमने सिलाई लगा ली है, दोनों पार्ट की हमने सिलाई लगाकर पट्टी बना ली है। अब हम इसे इस तरह जमा के रख देंगे एक के ऊपर, इसे इक्वली रखेंगे और यहाँ पर जो खुला हुआ पार्ट है नीचे की साइड इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, नीचे तक यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पर नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे।
यह हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम इसके बैक पार्ट में हमने 3 इंच का कट कर लेंगे और हुक के लिए पट्टी तैयार कर लेंगे। हुक की पट्टी तैयार करने के लिए हम 3 इंची चौड़ा कपड़ा लेंगे और इसे रखकर जो हमने कट लगाया था उसके पर हम ऐसे सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। यहाँ पर इसे उल्टा रखेंगे और टॉप को भी हम उल्टा रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इसे भी हम बीच में से कट लगा देंगे, कपड़े में भी कटिंग कर लेंगे और इस तरह अंदर की साइड हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे कि यह अच्छी तरह से जम जाए। यह हमने फोल्ड कर लिया है और यह हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो गोलाई का निशान गले पर है वहाँ पर हम और एक पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे ये, और उसके बाद हम दोनों को के शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। यह हमने इसके शोल्डर अटैच कर लिए हैं और अब हम दोनों आर्मोनों पर और एक पट्टी लगाएंगे। उल्टी साइड हम पट्टी को रखेंगे और पूरी गोलाई में हम पट्टी लगाएंगे। यह सीधी साइड है, इसको नीचे की साइड से हम इसे लेंगे पट्टी को और सिलाई लगा लेंगे। हम चाहे तो जैसे हमने गले में पाइपिंग लगाई थी उस प्रकार भी लगा सकते हैं और ऊपर की साइड से हम लगाना चाहे तो भी हम इस पट्टी को लगा सकते हैं। यह हमने दोनों साइड पट्टियाँ लगा ली है और इसमें हम बारीक बारीक इसे आगे की साइड फोल्ड कर लेंगे और हम इस तरह पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। ये दोनों साइड हमने आर्मोन की पट्टियाँ लगा के तैयार कर ली है और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच की हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। यह हमने फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है और यह हमारा ऊपर के टॉप पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके घेरे की सिलाई करेंगे। घेरे की सिलाई करने के लिए यहाँ से ऊपर से ही हम इसे फोल्ड करेंगे। एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पूरे घेरे में हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हमने इधर की साइड की है वहाँ तक एंड तक ही हम इसको भी सिल लेंगे। यदि आप पीको कराना चाहते हैं तो आप पीको भी करा सकते हैं। यहाँ मैं इसे फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ ऊपर की साइड हम एक कच्ची सिलाई बड़े धागे की लगा लेंगे। ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और अब हम यह कच्ची सिलाई से एक धागा पकड़ेंगे और इस तरह खींच लेंगे। धागे को खींचते जाएंगे और इसमें बारीक बारीक सल लगा लेंगे। हमें इतना घेरा तैयार करना है कि पूरी टॉप पार्ट के में आ जाए। ऊपर से 2 फोल्ड होगा और पीछे की साइड 1 फोल्ड रहेगा, यानी यह पूरे 3 हिस्से में हमें टॉप पार्ट में लेना है। इस तरह से हम 3 पार्ट कर लेंगे इसके। एक पार्ट हमारा यह रहेगा और दूसरा पार्ट इस तरह से रहेगा। ये 3 पार्ट में हो जाएगा और ऊपर हम इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम सीधी साइड यह वाला सीधा ऊपर की भाग रहेगा तो हम टॉप को पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे और ऊपर से इसको सिलाई लगा के लेंगे। ये हमने टॉप पार्ट में इसकी सिलाई लगा ली है। हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट हम 25 से 30 इंच का लेंगे और जिसकी विड्थ हम 3 इंच की लेंगे। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और 2 पॉइंट की सिलाई हम पूरी लगा लेंगे। बीच में सेंटर में हम 5 इंच की सिलाई छोड़ देंगे और दोनों साइड हम इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ से जो सेंटर में हमने छोड़ा था वहाँ पे हम अब इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से निकाल लेंगे इसे, इधर से भी पलट के निकाल लेंगे सेंटर से भी, और बीच में से हम इसमें जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार है।
यह बेल्ट जो हमने तैयार किया है इस तरह से हम बांध लेंगे या इसका फ्लावर बना के हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यह हमारी फ्रॉक डिज़ाइनर फ्रॉक बनके तैयार है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। यह अप और डाउन वाली ड्रेस